जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको उज़्बेकिस्तान की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ, तो अभी मैं इस वक्त हूँ अजमान में, ये भी यूएई का पार्ट है। तो अजमान में हूँ मैं इस वक्त और आज हम जा रहे हैं यहाँ पर इफ्तारी पर, अभी रमज़ान चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। ये जो वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ कि जो लोग उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है, उज़्बेकिस्तान का समझने का एक गाइड वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। हर कंट्री के बाद मैं एक वीडियोज़ बनाता हूँ कि जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसा क्या क्या चीज़ें क्या क्या एहतियात आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से क्योंकि अभी टाइम रह गया, 20-25 मिनट। मेरे साथ दोस्त है, मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ देर में उन सब से। तो किधर गए यार बाकी सब? तो ये हैं उमर भाई और ये हैं सनान भाई, ठीक है। तो हम एक ही रूम में रहते हैं सब। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बाकी लड़कों का, वो आ रहे हैं तो अफ्तारी पर वहाँ बैठ के फिर मैं आपको बताता हूँ कि उज़्बेकिस्तान में कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर मिल सकती है और क्या क्या सीन है उज़्बेकिस्तान का। तो बस निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं। बीच पे आ गए हैं, बीच पे बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बड़ी ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उज़्बेकिस्तान का। तो अगर आप उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट है आपके पास और आपके पास यूएई रेजिडेंट नहीं है, तो फिर आप उज़्बेकिस्तान नहीं जा सके। उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद किए हुए हैं। उसका जो वीज़े का प्रोसेस है वो स्पेशल इन्विटेशन के थ्रू वीज़ा आता है। तो वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, ठीक है, तो मैं आपको वो वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बट अभी हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान जाने की, फ़्लाइट्स की, ईच एंड एवरीथिंग की बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह इसको एंड तक देखने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी ऐसा है कि अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी हैं, बट आपको यूएई रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, उसकी कोई फ़ीस नहीं चार्ज की जाएगी आपसे, बिल्कुल फ्री है। यानी कि जिस तरह अजरबैजान $50 को चार्ज करता है, अगर आप एडवांस में वीज़ा लेते हैं तो फिर आपको $25 देना पड़ता है, $26, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जाके लेते हैं तो अजरबैजान में आपको $50 देना पड़ता है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जैसे ही जाएंगे आपकी पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंप लगा देंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़। यानी कि हाँ, उज़्बेकिस्तान में जब आप जाएँगे तो यहाँ पर डॉलर आपको हॉस्टल थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अगर उसके फ्लाई लिखा हो booking.com पर या कहीं पर लिखा हो कि यार ये आपकी जो हॉस्टल है ये $5 का है, उसके नीचे लिखा होता है छोटा सा कि $3 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे सर्विस फ़ीस, वो लाजमी पढ़नी है आपने। कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो $5 या वो थोड़ी सी रकम पढ़ के ना तो क्या करते हैं, ओ ये होटल सस्ता है इसको बुक करा लेते हैं। फिर जब वहाँ जाते हैं पता चलता है कि वो तो यार ये 9 दिरहम क्यों मांग रहे हैं, बाद में पता चलता है यार वो जो आपने नीचे इसको पढ़ा नहीं था। तो इस चीज़ को ज़रा गौर से पढ़ना है बुकिंग करते वक्त कि जो डॉलर है वो नीचे लिखे होते हैं कितने डॉलर एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गई सब बातें। फिर बात हो गई कि अगर आपने समरकंद से ताशकंद जाना है तो 1 लाख सोम से लेकर 2.5 लाख सोम तक टैक्सी का किराया अगर आपने स्पेशल जाना है। वैसे आपने किसी की शेयरिंग में जाना है तो 70-80 हज़ार सोम में आपको गाड़ी मिल सकती है। 1.5 लाख सोम जो है वो ट्रेन का किराया है आने जा एक साइड का, वहाँ से आप बुखारा भी जा सकते हैं, समरकंद भी जा सकते हैं। समरकंद में जो है ना रेगिस्तान स्क्वायर सबसे मशहूर फेमस पॉइंट है, और ताशकंद में जो है ना ताशकंद के बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। ताशकंद जो इनकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पर आप मेट्रो में जा सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात ये कि मेट्रो अगर आप यूज़ करेंगे, आप इनका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको करेंसी मैक्सिमम चाहिए ही नहीं होगी, बहुत छोटी सी करेंसी, अगर आपने ज़्यादा दिन रहना है तो उसके हिसाब से करेंसी आप साथ लेके जाओ। बाकी ये कि खाने वगैरह हर जगह मिलते हैं, खाने वहाँ के सस्ते हैं, 10-12 हज़ार सोम में आप एक टाइम का खाना खा सकते हैं जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट $1 बनता है। तो $1 में आप आराम से एक टाइम का खाना खा सकते हैं। ये हो गई उसके बाद बाकी स्कैम्स और उसके हो गई। तो स्कैम्स जो मेरा वहाँ पे 1 वीक रहा, 10 डेज़ का रहा, मेरा टूर बहुत अच्छा रहा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चीज़ का फेस नहीं करना पड़ा कि इसमें स्कैम्स वगैरह आपकी अपनी कोताही की वजह से होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए इस चीज़ का। और ऐसे ही उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत मासूम हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे जितने भी कंट्रीज़ घूमा हूँ उसमें सबसे अच्छा जो लोग लगे हैं वो उज़्बेकिस्तान के हमारे पाकिस्तानी लोगों की तरह की हैं। इनकी सोच, इनकी बातें, इनका सारा कुछ कि ये ईमानदार बहुत हैं और बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस लोग हैं। मैं नहीं मानता कि ये लोग किसी के साथ इस तरह की बात करेंगे। और उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये लोग थोड़े से कम फाइनेंशियली, इसको क्या कह सकते हैं आप, थोड़े से कम कमर्शलाइज हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत कम कमर्शलाइज हैं, ये लोग दिल की ज़्यादा सुनते हैं, दिमाग की कम सुनते हैं, कारोबारी माइंड इनका कम है, यानी उसके हिसाब से नहीं है।
और उज़्बेकिस्तान में डॉलर्स की काफ़ी ज़्यादा जो है ना डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये चीज़ है। उज़्बेकिस्तान में स्कैम्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, मैंने इतने दिनों में कोई चीज़ फेस नहीं की। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में देखा होगा, मैंने तो काफ़ी सारा जगह पे वहाँ पे हिच हाइकिंग की है। मैं समरकंद गया, ताशकंद गया, वहाँ लोकल में घूमता रहा, सब मैंने हिच हाइकिंग की। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मैं रहा जो असल में कुछ लोग वीडियोज़ नहीं बनाने देते, जिसकी वजह से अब मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं और किसी के पास ठहर रहे हैं और वो आपको वीडियो नहीं बनाने दे रहा, तो फिर आपको वो जाने आने की वीडियो भी फिर मैं वो अपलोड नहीं करता। वो मेरे पास होती है बट मैं अपलोड नहीं करता, क्योंकि फिर आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं आप वही शूट नहीं कर रहे हैं, आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं अगले बंदे, तो फिर आपको रस्ते की वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है, उसका फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं वो अपलोड नहीं करता। काफ़ी सारे लोकल लोगों के साथ मैं रहा, कुछ दिन रहा वहाँ, कि मैंने लोकल खाने खाए। तो आप भी जनाब लाजमी जाओ उज़्बेकिस्तान आपको ट्रैवल करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत नाइस प्लेस है और बहुत सस्ती जगह है, आप बहुत कम पैसों में उज़्बेकिस्तान घूम सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि उज़्बेकिस्तान में हमारा कितना टोटल एक्सपेंस हुआ इतने दिन मेरे रहने का, खाने पीने का, टिकट का, एयरलाइन का, हर चीज़ का। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा उज़्बेकिस्तान में टोटल खर्चा कितना हुआ। मेरे जाने की जो टिकट है यहाँ से रिटर्न की वो 102 दिरहम है, 102, और जो मेरी वहाँ से आने की थी 119 दिरहम की थी, टोटल मेरे हो गए 221 दिरहम, ये खर्चा हो गया टिकट का। और उसके बाद मैंने जो कार्ड से पे किए वो मैंने 65 दिरहम पे किए, जो होटल्स वगैरह और बस वगैरह में मैंने पे किए, ठीक है 65। और मैं 35 दिरहम लाया था, 100 दिरहम लाया था, उसमें 35 दिरहम मैं खर्च कर चुका हूँ, और मेरे पास जो पीछे बाकी हैं वो हैं तकरीबन 65 दिरहम। तो 35 जो है ना दिरहम हो गए मल्टीप्लाई बाय 3.68, तो 128 यानी कि 130 हो गए तकरीबन। 130 प्लस 65 इज इक्वल टू 195 प्लस 221, तो 416। ये 416 का मेरा टोटल खर्चा हुआ है जनाब उज़्बेकिस्तान आने का। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस वापस जाएंगे, अल्लाह में खैर से लेके जाए। तो अगर पाकिस्तान से मल्टीप्लाई करें 78 का भी दिरहम मैं लगाऊं तो 32,000 रुपया, तो 32,000 पाकिस्तानी में मेरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वेज़ एयर का सारा टूर, खाना पीना, रहना आना जाना, ताशकंद सारा कुछ उसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसमें वेज़ एयर, इसमें जो अबू धाबी से मैं दुबई से अबू धाबी आया 25 दिन मैंने वो पे किए, और जो मेट्रो के 7 दिन वो पे नहीं, वो मैं इसमें चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी जा के तो फिर मेरी नेक्स्ट एक और कंट्री की फ़्लाइट है। मैंने कहा यार सेंट्रल एशिया काफ़ी हो गया, अब किसी ज़रा और कंटिनेंट में जाते हैं, वो सस्पेंस है, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है अबू धाबी से वो वहाँ की है। तो अभी बस वैसे भी लोग इंतज़ार में खड़े हैं। तो ये था मेरा सारा खर्चा टोटल 416 दिरहम 32,000 रुपया। तो जनाब इतना ही था, यहीं तक ही था हमारा उज़्बेकिस्तान का टूर। तो आए दिखाते हैं आपको त्यारा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वेट में खड़े हैं, लाइन बहुत लंबी लाइन लगी खड़ी है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये यहाँ का वेटिंग हॉल है, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं 10 दिन में 32,000 में 10 दिन घूमूँ, तो आप भी इतने पैसों में घूम सकते हैं, बहुत कम पैसों में। तो अगर आप कम खर्चे में घूमना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह हमारे चैनल में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आप कैसे कम खर्चे में रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियोस में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी समझ नहीं आ रही, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको हर चीज़ का समझाऊँगा, इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आप कम पैसे में घूम सकते हैं। तो कीप ट्रैवलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।